गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है नॉर्वे। नॉर्वे फॉर्मली द किंगडम ऑफ नॉर्वे इज़ अ नॉर्डिक कंट्री इन नॉर्थन यूरोप। अभी हम बताते हैं इसके क्लोजेस्ट कंट्री पे, तो क्लोजेस्ट कंट्री है स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है, इंक्लूडिंग आइसलैंड। पॉपुलेशन पे आते हैं तो अबाउट 54 लाख पॉपुलेशन है नॉर्वे की। कैपिटल पे आते हैं तो ओस्लो एंड लार्जेस्ट सिटी आल्सो ओस्लो। अभी हम आते हैं इसके ऑफिशियल लैंग्वेज पे, तो नॉर्वे की ऑफिशियल लैंग्वेज है नॉर्वेन और सेकंड है इंग्लिश। अभी हम आते हैं इसके एथनिक ग्रुप पे, तो 82% यहाँ पे नॉर्वेन है और रेस्ट ऑफ जो है मिक्स इस्लाम इंडियंस, ये रेस्ट ऑफ 18% है। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके रिलीजन पे, तो 75% क्रिश्चियनिटी, 7% क्रिश्चियन और 3% इस्लाम है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके करेंसी पे, तो यहाँ पे नॉर्वे में करेंसी चलती है वो है नॉर्वेन क्रोन। इंडियन करेंसी में होते 7.86 INR, वहाँ का एक क्रोन इंडियन करेंसी में होते 7.86 INR। वीज़ा ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है हम इंडियंस को नॉर्वे जाने के लिए। टूरिस्ट वीज़ा 10 to 15 days लगते हैं, स्टे पीरियड है 90 days, वैलिडिटी है 6 months। एंट्री सिंगल और मल्टीपल एंट्री 7599 है। ठीक है, बिजनेस वीज़ा सेम प्रोसेस है, उसकी जो फीस है वो भी सिमिलर है और वैलिडिटी और रेस्ट ऑफ जो है वो भी सेम है, सिमिलर लाइक टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके ड्राइविंग साइड पे, तो ड्राइविंग साइड है राइट, कॉलिंग कोड है +47। अभी हम आते हैं इसके मिनिमम एवरेज एंड हाई सैलरी पे, तो मिनिमम है 10,000 crore, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 78,600। इट्स नॉट बैड, नॉर्वे में मिनिमम सैलरी जो है वो भी ठीक ठाक ही है, 78,000 आपको मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है, एवरेज है 20,000, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 1,50,000 और हाई है 30,000 नॉर्वेन क्रोन, तो इंडियन करेंसी में होते हैं अबाउट 2 lakh। ठीक है, अभी हम आते हैं इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो मैं बताऊँगा आपको नॉर्वेन क्रोन में। तो मिल्क है 1 liter 21 crore, राइस है 1 kg 30 crore, एग है 12 piece 40 crore, एप्पल है 1 kg 31 crore, टमाटो है 1 kg 40 crore, पोटैटो है 1 kg 22 crore, ऑनियन है 1 kg 24 crore और वाटर है 1.5 liter 21 crore। अभी हम आते हैं इसके अपार्टमेंट पे, अगर हम वहाँ पे जॉब और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो लॉन्ग टर्म तक होटल में स्टे नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव पड़ेगा, इसलिए हमें अपार्टमेंट देख लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपका लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है वहाँ पे नॉर्वे में रहने का प्लानिंग है, तो 1 bedroom इन अ सिटी 6 to 7 thousand में आ जाएगा, आउटसाइड सिटी 5 to 6 thousand में आ जाएगा, 3 bedroom इन अ सिटी 15-14 thousand में आ जाएगा, आउटसाइड सिटी 10 to 12 thousand में आ जाएगा। 3 bedroom इन अ सिटी एंड आउटसाइड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रूट्स में KLM एयरलाइंस की फ्लाइट है मुंबई, दिल्ली, एम्स्टरडेम, ओस्लो, नॉर्वे। ठीक है, और इंडिगो एयरलाइंस भी ऑपरेट करती है मुंबई, दिल्ली, इस्तानबुल, ओस्लो। ठीक है, इसकी लगभग जो एयर टिकट पड़ेगी आपको वो है 70,000-60,000 रिटर्न टिकट, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है एयर टिकट भी, रिटर्न का 70-50-60 में आपको पड़ जाएगी। और आपको वीज़ा लगता है नॉर्वे का, नॉर्वे वीज़ा लेके जाइए आप, उसको वहाँ पे जाके कन्वर्ट करा सकते हैं बिजनेस में, ओके। और वर्क वीज़ा में भी आप देख लीजिए, अगर कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है, अगर टूरिस्ट वीज़ा पे आप जाते हो और आपको जॉब मिल जाता है तो यू कैन, आप एम्प्लॉयर के साथ बात करके आप करवा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है नॉर्वे का। अभी हम आते हैं इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट पे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि जो नॉर्वे में मिनिमम एवरेज और हाई सैलरी है वो भी ठीक ठाक है। नॉर्वे एक अच्छी कंट्री है, ठीक है, थोड़ी ठंडी कंट्री है, वेदर वहाँ का थोड़ा ठंडा रहता है नॉर्वे का। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेस्ट अभी मैं आता हूँ इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे, तो पासपोर्ट 6 months वैलिडिटी कम से कम होना चाहिए, 4 to 5 ब्लैंक पेज। फिर हो गया आपका होटल रिजर्वेशन, रिटर्न टिकट, ये हो गया। फिर ये दो तो हो गया, होटल रिजर्वेशन हो गया, रिटर्न टिकट हो गया, पासपोर्ट हो गया। फिर नॉर्वे का वीज़ा आपको चाहिए, कंपलसरी मैंडेटरी है, विदाउट वीज़ा हम जा नहीं सकते, वीज़ा ऑन अराइवल हमें इंडियंस को नहीं है, ई वीज़ा भी नहीं है, हमें नॉर्वे में वीज़ा लेके जाना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर, तो ये सब चीज़ तो हो गए। फिर आप PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके जाइए, मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाइए, अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू का हो जाता है, जॉब का हो जाता है वहाँ पे तो काम आएगा, यूज़ कर सकते हो उसे। कोविड सर्टिफिकेट, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सब कुछ है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये लेके जाइए आप, क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा पे एंटर करोगे तो फाइनेंशियली आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास फंड्स भी है, इंक्लूडिंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, फ्लाइट का रूट मैंने बता दिया है,
और ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लीजिए, कोविड सर्टिफिकेट रख लीजिए, ठीक है? तो ये सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और कुछ भी क्वेरीज हुए तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और एवरी ट्यूजडे एंड एवरी फ्राइडे मेरे न्यू वीडियोज़ आते हैं, तो प्लीज़ देखते रहिए फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतने, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देव ब्लॉग है, गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।